नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अजिता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए एसडीएम कांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद एसडीएम ही निकला, जिसने साथियों के साथ मिलकर अपने ही ऊपर हमले की साजिश रची थी। पुलिस ने मामले में एसडीएम सहित यूनिवर्सिटी के कुलपति पुष्पेंद्र गौतम, भाजपा नेता जावेद अख्तर सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छतरपुर एसपी ने हाई प्रोफाइल मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। मामले में आरोपी पुष्पेंद्र गौतम, जावेद अख्तर, राजू उर्फ राजेंद्र सिंह, अमित सिंह परमार, अर्जुन श्रीवास को गिरफ्तार किया है। वहीं मास्टरमाइंड एसडीएम अनिल सपकाले से पूछताछ की जा रही है। खुलासे में एसपी ने बताया कि इस मामले में अभय सिंह भदौरिया को फंसाने के चक्कर में साजिश रची थी। सपकाले के कहने पर फर्जी घटना को मूर्त रूप देने के लिए अपराध किया गया था। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के द्वारा एएसपी जयराज कुवेर के नेतृत्व में 12 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, जिसमें सीएसपी श्री शुक्ला, टीआई विनायक शुक्ला, टीआई अरविंद दांगी, टीआई सरिता वर्मन सहित पुलिस स्टाफ के लोग मौजूद थे, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए एसडीएम से पूछताछ कर और फोन डिटेल की मदद से मामले को सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। इधर आईजी ने मामले का खुलासा करने वाली जांच टीम के सदस्यों को सम्मानित करने एवं इनाम देने की भी घोषणा की है।